फ्रेंड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के साथ में किसी मंदिर को बनने में कितना समय लग सकता है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल या कुछ दशक। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हम एक ऐसे मंदिर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिस मंदिर को बनने में ना सिर्फ सैकड़ों साल लगे बल्कि इसकी नींव पड़ी थी लगभग 400 साल पहले और इसे बनाने वाले को 4 जन्मों का सफर तय करना पड़ा, और ये 4 जन्मों का सफर अलग अलग स्थानों से होकर गुजरा और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर की एनर्जी जो लोग फील करते हैं, उस एनर्जी के एक्युमुलेशन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में होती है और 21वीं सदी में ये मंदिर बनकर तैयार होता है। तो जिस जिस स्थान से यहाँ की कहानी होकर गुजरती है उस स्थान का आज भी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है, और उन जगहों को हम फिजिकली जाकर कवर करने वाले हैं और उस पूरे जर्नी की स्टोरी हम आप तक लेकर आने वाले हैं, और साथ ही देखेंगे आज के समय में वो स्थान किस कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें कि कैसे बिल्वा की लव स्टोरी का दुखद अंत आध्यात्मिक चेतना में बदल जाता है और 4 जन्मों का सफर करते हुए वो इतने हायर स्टेज पे पहुंच जाता है कि आज सारी दुनिया उन्हें सद्गुरु के नाम से जानती है। सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव के एनलाइटनमेंट डे पे हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS Explores।